हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम थर्ड चैप्टर को रीड कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर को रीड करते करते आज हम कुछ नया देखते हैं। आज हम देखते हैं कि यदि हमें कई सारी वैल्यूज यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा, जैसे सिंपल कोई एक मेमोरी लोकेशन है, सपोज उसका नाम मैंने दे दिया ए। आप इसके अंदर कोई वैल्यू या कोई डाटा को स्टोर कराना चाहते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपने दे दिया सपोज ए इक्वल 5। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का सीधा सा मतलब हुआ, आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है वहाँ पे एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गया और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 5। क्या स्टोर हो गया उसके अंदर, 5। सेम इसी प्रकार यदि अब हम आगे चलते हैं और मैं लिख देती हूँ प्रिंट ए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट ए, तो क्या होगा? ये तो खैर क्या है, हमारा मेमोरी लोकेशन बताया मैंने ना, कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में ये वर्क हो रहा है कि एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन बना जिसके अंदर 5 क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे मैं लिखती हूँ प्रिंट ए, तो क्या होगा, जो पाइथन कंपाइलर है वो मुझे 5 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सपोज ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, और इस पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। बट इन केस यदि मैं लिखती हूँ ए इक्वल 5, अपने पाइथन कंपाइलर पे मैं लिखती हूँ, कोडिंग लिख रही हूँ ए इक्वल 5, देन नेक्स्ट लाइन में मैं लिखती हूँ ए इक्वल 10, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ ए की वैल्यू, आउटपुट स्क्रीन उस पर क्या प्रिंट होगा, सीधी सी बात है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा 10, आउटपुट स्क्रीन पे 5 प्रिंट नहीं होगा। जो भी आपकी लास्ट वैल्यू स्टोर होती है मेमोरी लोकेशन में, जैसे एक ही मेमोरी लोकेशन है, ये भी ए नाम का मेमोरी लोकेशन है, ये भी ए नाम का मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जब ये केस हुआ तभी एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन बना, उसके अंदर 5 क्या हो गया, स्टोर हो गया। लेकिन जब हम आगे चले तो हमने कंपाइलर को आदेश दिया, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई तुम ए नाम का एक और मेमोरी लोकेशन बनाओ और उसके अंदर क्या कर दो, तुम 10 को स्टोर कर दो, ठीक। तो ये कंडीशन लिखते ही क्या होगा, जो मेरा ए मेमोरी लोकेशन है, यहाँ से मेरा जो मेमोरी ऑक्यूपाई हुई थी इस जगह से, वहाँ से मेरा ए जो है वो वहाँ से हट जाएगा और कहीं और जाके ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाएगा, उसके अंदर 10 को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। यहाँ पे तो खैर मेरा जो 5 स्टोर था वो स्टोर है ऑलरेडी। ये कब था, जब मैंने पहली लाइन लिखी थी, कंपाइलर मेरा लाइन बाय लाइन चलता है, जब मैंने पहली लाइन लिखी थी तब ये प्रोसेस हुई, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी लाइन लिख ली तब मेरा ए मेमोरी लोकेशन अब ये नहीं रहा, मेरा ए मेमोरी लोकेशन अब कहीं और बन जाएगा जाके और उसके अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो रीसेंट वैल्यू होती है उसको मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है, पुरानी वैल्यू को हटा देता है। यही कारण है कि हम इस तरीके के मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी ऐसे मेमोरी लोकेशन जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू जो है वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले ए की वैल्यू 5 थी, अब ए की वैल्यू क्या है, 10 है। तो जब मैं प्रिंट करवाती हूँ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अभी रिसेंटली क्या है, 10, 5 नहीं है, अब कौन सी है, ए की वैल्यू 10। तो इसलिए आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इस तरीके के केस में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो मेरे को कोई 5 वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं 5 वैल्यू स्टोर कराऊँ और 5 वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट ले लूँ, ठीक। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक तरीका है मेरे पास कि मैं क्या करूँगी, एक दूसरा मेमोरी लोकेशन ले लूँगी, उसकी वैल्यू स्टोर करा दूँगी, एक तीसरा मेमोरी लोकेशन ले लूँगी, इसमें भी वैल्यू स्टोर करवा दूँगी, ऐसी तरीके से नेक्स्ट देन नेक्स्ट, और बड़े आसानी से जब मैं ऐसा लिखती हूँ और उसके बाद मान लो मैं प्रिंट करवाती हूँ डिफरेंट वैल्यूज़, प्रिंट ए, फिर इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू प्रिंट करा दूँगी सेम लाइन लिखकर, ठीक है, देन सी की, देन डी की, देन ई की। तो बड़ी आसानी से जब मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट ए, प्रिंट बी, इसी तरीके से प्रिंट सी लिखूँगी, डी एंड ई, ठीक है। आप लोग अपने
पाइथन में कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है। सपोज ये मैंने प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, प्रिंट ई लिख दिया, बड़ी आसानी से मेरे यहाँ पे आउटपुट, पांचों आउटपुट मेरे सामने यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो ये पांच वैल्यू है, मान लो मेरे को 50 वैल्यू स्टोर करानी है, मान लो मेरे को 100 वैल्यू स्टोर करानी है, तो क्या जितनी वैल्यूज में देती जाऊंगी मुझे उतने मेमोरी लोकेशंस बनाने पड़ेंगे? यदि ऐसा होगा कि मुझे उतने ही मेमोरी लोकेशन बनाने पड़े तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो जाएगी कि मुझे इतने सारे मेमोरी लोकेशंस को याद रखना ही इम्पॉसिबल रहेगा। दूसरी बात, जब डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस बनेंगे तो मुझे बार बार डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन से काम करवाना होगा। अच्छा, काम जब मैं करवाती हूँ तो बेसिकली काम कौन करता है? सिस्टम। तो सिस्टम को भी, सिस्टम के ऊपर भी क्या पड़ेगा? प्रेशर ही पड़ेगा ना। सपोज मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैं तो आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन होमवर्क का प्रेशर किस पर पड़ रहा है? आप पे पड़ रहा है। मैंने एक सब्जेक्ट का दिया, दो सब्जेक्ट का दिया, तीन का दिया, जितना होमवर्क देती जा रही हूँ उतना प्रेशर आपके ऊपर पड़ता जा रहा है, उतना ही आपका पेन खर्च होगा, उतने ही आपकी कॉपी के पेज बनेंगे। खैर, आपके रिस्पेक्ट में देखी जाए तो ये वाली बात बहुत अच्छी है, बट सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वाली बात उचित नहीं है, क्योंकि जितना मैं सिस्टम से ज़्यादा काम करवाऊंगी उतने मेरे सिस्टम का जो प्रोसेसर है उस पर लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो जो वर्क की एफिशिएंसी है वो कम होगी। दूसरी बात, कई सारे मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इस कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन के लिए हम एक काम कर सकते हैं। सपोज अब मैं चाहती हूँ एक ही मेमोरी लोकेशन हो और उसके अंदर कई सारी वैल्यूज स्टोर हो जाए, तो उसके लिए एक काम तो आप कर रहे हैं कि ए के अंदर 5 स्टोर करवाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं आप ए के अंदर 10 स्टोर करवा देते हैं, नेक्स्ट जाते हैं आप ए के अंदर 15 स्टोर करा देते हैं, और अब आप प्रिंट करवाते हैं ए की वैल्यू। प्रॉब्लम क्या आ रही है? इस कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो लास्ट वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे वही शो हो रही है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे 5 भी शो हो, 10 भी शो हो, 15 भी शो हो, लेकिन मेमोरी लोकेशन एक ही हो। सपोज ए, कोई एक ही मेमोरी लोकेशन हो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हो। इसको लिखने का एक तरीका है, देखिए। हम यहाँ पे कॉमा करके अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब इस तरीके से कॉमा करके वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वैल्यू, तो हमारे बड़ी आसानी से यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। 5, 10, 15, ये एक ही लाइन में दिखेगा आपको इस तरीके से, 5, 10, 15, ठीक है। अब इसके आगे देखिए और भी क्या समस्या हो सकती है। सपोज मान लीजिए ये तो मैंने नॉर्मल डेटा स्टोर करवा दिया, नॉर्मल डेटा मेरा प्रिंट हो गया। मान लीजिए ये जो मैं डेटा स्टोर करवा रही हूँ ये थोड़ा स्पेशल केस में, जैसे कि मान लीजिए ये मैं, कोई बच्चे हैं मेरे पास, 5 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनके रोल नंबर या उनकी आईडी स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। तो सपोज मेरे किसी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी आईडी है, 5 स्टूडेंट्स हैं, 10, किसी की आईडी है 5, किसी की आईडी है 3, किसी की आईडी 2, किसी की आईडी है 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब मैं डाटा एंट्री कर रही हूँ, आपने अभी डाटा एंट्री किया, ये डाटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10, 5, 3, 2, 1 प्रिंट हो जाएगा। ज़रूरी तो नहीं केवल 5 स्टूडेंट्स की आईडी मैं एंटर करूँगी, जब मेरे पास आगे काम बढ़ेगा तो मेरे स्टूडेंट्स 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए गलती से मैंने यहाँ पे किसी स्टूडेंट की आईडी सेम लिख दी, ठीक है। यानी मेरे पास एक ही स्टूडेंट का डबल डबल डाटा क्या हो गया? स्टोर हो गया। यदि ऐसी कंडीशन है तब तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो भी कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये आउटपुट यदि इस तरीके से आता है तो मेरा वर्क जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि अगर मैं गलती से भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू लिख दूँ तो कंप्यूटर यहाँ पे वो डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करे। ऐसा जब हम कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं तो कई बार होता है कि हम सेम चीज़ को, सेम फॉर्म को बार बार स्टोर कर देते हैं। बार बार स्टोर करेंगे तो अगर हमें आउटपुट भी वो चीज़ बार बार, जैसे मान लो किसी राहुल नाम का फॉर्म है और मान लो मैंने गलती से उसको 5 बार या 6 बार कभी स्टोर कर दिया उसका डेटा,
तो जो आउटपुट है वो भी 5 या 6 बार दिखेगा, तो ये आउटपुट तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा डेटा डुप्लीकेट शो नहीं हो, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं सेट का, ठीक है। किसका यूज करते हैं? सेट का, ठीक है। सेट क्या होता है? सेट एक फंक्शन होता है जो आपकी वैल्यूज को या डुप्लीकेट रिजल्ट्स को क्या कर देता है? हटा देता है, ठीक है। जब आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में से डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाती हैं। अब ये सेट लिखने का तरीका क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो सेट हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं सेट्स को, वो हम देखते हैं, ठीक है। सेट्स लिखने के लिए क्या करना होगा? सेट्स लिखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया है। यहाँ पे आप क्या करिए, एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर दीजिए, यानी ए नाम एक मेमोरी लोकेशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? इक्वल। तो सीधी सी बातें समझ में आई है कि एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर हो गया और उसके अंदर ये डाटा क्या होगा? स्टोर होगा। लेकिन ये डाटा मुझे स्टोर करना है सेट में, ठीक है, ताकि मेरे डुप्लीकेट रिजल्ट्स हट जाएं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा सेट, ठीक है। अब ये जो सेट है वो है क्या? सेट एक फंक्शन है, फंक्शन है जिसका मतलब समझ में आता है उसका एक निर्धारित क्या होता है? कार्य होता है। पहले से पाइथन कंपाइलर जब आपका बना है तब उसके अंदर कुछ फंक्शंस स्टोर कर दिए गए हैं और उन फंक्शंस का एक निर्धारित कार्य होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट है, प्रिंट जब आप लिखते हो तो पाइथन क्यों प्रिंट करा देता है वैल्यूज? क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है जो कि पाइथन कंपाइलर में पहले से ही क्या है? स्टोर है। यानी इसका मतलब स्टोर है कि यूजर जब भी तुम्हें कॉल करे, हम जब जैसे प्रिंट लिखते हैं ना, इसका मतलब कि हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है पाइथन में से, तो उसका सीधा सा मतलब उसके अंदर पहले से डिफाइन है पाइथन कंपाइलर में कि जब भी यूजर प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करे या लिखे इस तरीके से, तो तुमको क्या करना है? पाइथन कंपाइलर समझ जाता है कि उसको क्या करना है, डेटा को प्रिंट कराना है। कौन से डेटा को प्रिंट कराना है? जो प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो, ठीक है। अब सेट भी क्या एक फंक्शन है, तो आपको इसमें को भी क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्लियर। आपको क्या लगाना होगा? इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाना है। दूसरी चीज सेट में ध्यान रखना, एक तो आपके स्मॉल ब्रैकेट्स लगेंगे, क्यों? क्योंकि सेट क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज को हटाता है। दूसरी चीज, आपको वैल्यू स्टार्ट होने से पहले इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। इधर से बना के दिखा देती हूँ बोर्ड पर, से ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। और फिर एंड में भी आपको इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करवाएंगे ए की वैल्यू, तो इस तरीके से डेटा शो हो जाएगा, उसमें जो 10 है वो हट जाएगा। तो चलिए आइए हम इसका प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में हो सकता है वैल्यूज चेंज हो जाए, तो आप उसमें घबराना मत। डिफरेंट वैल्यूज में चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर अलग कर देती हूँ, प्रैक्टिकल में अलग कर देती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है? प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेट्स हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल। एक मेमोरी लोकेशन बनाते हैं, सपोज ए नाम का लोकेशन क्रिएट किया, आप कोई और नाम का ले सकते हैं मेमोरी लोकेशन। इक्वल, अब मुझे क्या करना है? मुझे ए मेमोरी लोकेशन के यदि मैं यहाँ पे सिंपल 10 लिखती हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ तो ए की वैल्यू, तो सिंपल है यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आप सभी जानते हो 10 प्रिंट हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं इसका आउटपुट, ठीक है, आपका असाइनमेंट है ये। अब इनके सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू 5, तो क्या आंसर आएगा? क्या मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू 10 मिलेगी? नहीं, ए की वैल्यू पहले 10 थी लेकिन बाद में एक न्यू मेमोरी लोकेशन बना जो कि ए नाम का है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 5। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? 5, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं आउटपुट इसका। कंट्रोल एस की सहायता से मैं सेव कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को। ये मेरे सेट हैं, तो मैं सेट 1 का नाम दे देती हूँ इसको, और उसके बाद आप सभी जानते हो नेम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन डॉट पी वाई जरूर लगाना होता है ना, डॉट पी वाई एक एक्सटेंशन है। देन सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, और मैं अपने प्रोग्राम को अब रन कर देखती हूँ। रन मॉड्यूल पे गई, देखिए क्या आंसर आ रहा है? 5। 10 नहीं आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? 5। जो भी वैल्यू बाद में स्टोर करती हूँ वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है, आउटपुट हटा देते। अब क्यों सेट यूज कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो ए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10 भी स्टोर हो जाए और 5 भी स्टोर हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक तरीका है कि यहाँ से सेकंड लाइन में हटाती हूँ और यहाँ पे कॉमा करके लिख देती हूँ 5। तो देखिए क्या मेरे 10 और 5 दोनों
प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को मैंने सेव किया है। देन रन पे जाके मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ, सर क्या आ रहा है 10 and 5। ठीक है, 2 से अधिक वैल्यूज में देख लेती हूँ, 6, 8, 10। ठीक है, मैंने ये कितनी वैल्यू दे दी, 5 वैल्यू दे दी। कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर दिया अपना प्रोग्राम और F5 प्रेस कर रही हूँ जिससे मेरा प्रोग्राम अब रन हो जाएगा। देखिए सारे के सारे डेटा आ चुका है, 10 तक लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने 10 लिखा था और 2 बार मैंने 10 लिखा, सेम नंबर मैंने 2 बार लिखा है, तो दोनों बार मेरे 10 प्रिंट हो रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, कंट्रोल एस की सहायता सेव किया अपना प्रोग्राम और मैंने F5 प्रेस करके अपना प्रोग्राम क्या किया, रन किया। तो यहाँ पे देखिए कि 10 वैल्यू मैंने 2 बार दिए, तो दोनों बार यहाँ पे 10 वैल्यू क्या होगी मेरी, दोनों बार मेरी 10 वैल्यू यहाँ पे आउटपुट के रूप में शो हो रही है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यदि मैं डुप्लीकेट डाटा स्टोर करती हूँ, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मान लीजिए ये मैंने ID दी है, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, या मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनके ये ID दी है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ID है ये एक ही बार शो हो एक ही स्टूडेंट की। ठीक है, अगर मैंने 2 बार 10-10 लिख दिया, यानी एक ही स्टूडेंट की ID मैंने 2 बार क्या करवा दी, यहाँ पे शो करवा दी, ये क्या एग्जांपल है। तो मान लीजिए ऐसी कोई, आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम ये जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं ये सेम वैल्यूज हमारे, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो रिपीट ना हो, जैसे 10 है तो 10 रिपीट ना हो, 5 है तो 5 इसके आगे रिपीट ना हो, सिर्फ यूनिक वैल्यू यानी सिंगल टाइम ही कोई भी वैल्यू प्रिंट हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सेम कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट। तो देखते हैं सेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेट लिखने के लिए अभी मैंने आपको बताया पेपर पे कि हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं सेट, तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखिए स्पेस दे देते हो, आपको प्रॉपर दिख जाएगा, सेट लिखा हुआ है। ये सेट एक फंक्शन है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बैगनी कलर में दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली देखिए ये जो आप पाइथन के ऊपर काम कर रहे हो ये क्या आपका आइडियली है। ठीक है, आइडियली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम, इसका ये मतलब होता है कि हम जो डेवलप कर रहे हैं डाटा, उस डाटा को डेवलप करने में, यानी जो हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें हमको दिक्कत ना आए, ठीक है, हमारा काम बहुत अच्छे से तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग कलर्स में हर चीज़ दिख रही है, जैसे ब्लैक कलर में आपको अपना डाटा दिख रहा है। ठीक है, और जो सेट लिखा है, यानी कोई भी फंक्शन का आप नाम लिखते हो, तो फंक्शन का नेम आपका कैसे हो जाता है, थोड़ा सा बैगनी कलर में आ जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपने वो स्पेलिंग गलत लिखी, सही, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि वो स्पेलिंग आपने सही लिखी, जैसे सेट लिखा है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल फंक्शन होता है सेट का। अब मान लीजिए आपसे कोई भूल हो गई, आपने सेट्स का स्पेलिंग गलत लिख दी, तो देख लीजिए आपको पता तो है कि सेट एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये बैगनी कलर में नहीं परिवर्तित हुआ, यानी आप समझ गए कि आपने ये सेट नाम की स्पेलिंग सही नहीं लिखी। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो एनवायरनमेंट है, जो आप आइडियली पे काम कर रहे हो, ये एनवायरनमेंट देता है कि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सको, समझ सको। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्पेलिंग सुधारती हूँ, देखिए बैगनी कलर में आ गया, तो मुझे श्योरिटी हो गई कि मैंने स्पेलिंग एकदम सही लिखी है सेट की। ठीक है ना, अब आप सभी जानते हैं ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से उनके आगे इस तरीके से छोटे ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रिंट है, प्रिंट भी क्या है, एक फंक्शन है जो काम कर रहा है, तो हम इसका इसके थ्रू क्या बता रहे, प्रिंट करो, लेकिन क्या प्रिंट करो, तो हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रख देते हैं एक ही, भाई तुम एक ही वैल्यू प्रिंट करो। इसी प्रकार अब हमने सेट फंक्शन को कॉल किया, तो सेट के अंदर, सेट नाम से समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, ये वाली, तो इन वैल्यूज को हमको कहाँ लिखना होगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर इन वैल्यूज को शिफ्ट कर देती हूँ, ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है और ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक ना, अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ, कंट्रोल एस की सहायता से मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया है और अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। अब क्या आया है, देखिए आप यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, एरर क्या बोल रही है, एरर कह रही है सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 5। ये कह रहा है कि जो सेट है, ठीक है, आपने जो सेट फंक्शन लिखा है ये एक आर्गुमेंट लेता है, यानी या तो 10 लेगा या 5 लेगा, बट आपने इसमें कई सारे आर्गुमेंट दे दिए,
तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, जब भी आप सेट के अंदर चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करें, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक और ब्रैकेट लगाना होगा जो कि होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए इस तरीके से, और लास्ट में आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यदि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर करानी है सेट के अंदर तो आप इसको करा सकते हैं। अब हम सेट का मैजिक देख लेते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस, हमने जिस उद्देश्य से सेट का यूज़ किया क्या वो पूरा हो रहा है, क्या उद्देश्य था हमारा सेट का। सेट का उद्देश्य है कि भाई इसके अंदर रखी हुई यदि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे सेट में रखी हुई हैं या हमारे डेटा में रखी हुई हैं तो वो डुप्लीकेट्स वैल्यू शो नहीं हो। ठीक है, ये हमारा लिखने के पीछे उद्देश्य है। तो देखते हैं क्या वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। तो हम अपने प्रोग्राम को अब रन करने जा रहे हैं। मैं F5 प्रेस करके अपने प्रोग्राम को रन करा रही हूँ, देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। 8, 10, 5, 6 डुप्लीकेट वैल्यूज ने नहीं ली 10। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में डाटा लिखा था उसी ऑर्डर में इसने डाटा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो जब भी आप सेट देखते हैं तो सेट में ऐसा कुछ नहीं है कि डाटा एकदम प्रॉपर उसी लाइन से लिखा हुआ होगा जिस लाइन से आपने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नंबर सारे आएंगे लेकिन वो अलग अलग क्रम में आ सकते हैं। ठीक है, सेट का क्या मतलब होता है। सेट हम लेते हैं ऐसे कि आप कोई भी सेट ले, ऐसे 3 किताबों का एक सेट है। ठीक है, आप मान लीजिए 12th क्लास के विद्यार्थी, तो आपकी क्लास आपके 12th में मान लो 5 किताबें चलती हैं, तो 5 किताबों का एक सेट है। अब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि 5 किताबें तो प्रॉपर किताब 1, किताब 2 एक के ऊपर एक रख रखी होगी, वो 5 किताबें किसी भी ऑर्डर में रखी हो सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये सेट है, तो सेट में ये जो ऑर्डर है, आपने जो डाटा दिया है, ये किसी भी ऑर्डर में लिखा हो सकता है। बट इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है कि डुप्लीकेट वैल्यू को ये शो नहीं करवाता। नाउ अब हम सेट लिखने का एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। सपोज मैंने एक और मेमोरी लोकेशन लिया b b इक्वल। देखिए, एक तरीका तो आपको समझ में आ गया कि आपने क्या किया, नॉर्मल तरीके से अपनी वैल्यूज लिख दी, 20, 25, 30 नॉर्मल लिख दी और आपने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट ब्रैकेट्स लगाए और प्रिंट के अंदर सपोज आपने कोई स्टेटमेंट लिख दिया, दिस इज सेकंड सेट। ठीक है, अच्छा डबल इन्वर्टेड कोट्स बंद कर दी। यहाँ भी देखिए, मैंने आपको आइडियली बताया कि आइडियली ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में शो हो जाता है। अभी आपको बताया था प्रिंट है बैगनी कलर में आता है, देखिए आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो ग्रीन कलर में आ जाती है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें दिखते हैं तो हमको थोड़ी अपनी चीज़ों को पहचानने में क्या होती है, सरलता होती है। ठीक है, तो ये हमें हमारा काम सरल करने के लिए आइडियली इस तरीके का एनवायरमेंट बनाता है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने लिखा दिस इज सेकंड सेट। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, हमने डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखी है, देन कॉमा लगाइए और फिर यहाँ पे बी लिख दीजिए। बी यानी बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम और F5 की मदद से रन किया। तो देखिए यहाँ पे ये तो हमारा जो ए है, ए की वैल्यू शो हो रही है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आउटपुट आपका हमेशा हमेशा स्टार्टिंग से ही रन होता है। ठीक है, तो आपने क्या प्रिंट करवाया, ए, तो यहाँ पे ए सेट की वैल्यू प्रिंट हो रही है और फिर आपने प्रिंट करवाया ये सेकंड लाइन में आपने क्या प्रिंट करवाया, दिस इज सेकंड सेट बी। तो आपकी सेकंड, इस तरीके से आपकी सेकंड वैल्यूज क्या हो रही है, शो हो रही है। डाटा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, डाटा मैं यहाँ पे कॉमा करती हूँ, यहाँ पे मैं 25 को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले अपने प्रोग्राम को सेव किया। ठीक है, अब आप सभी लोग जान गए यहाँ पे मैंने सेट नहीं लिखा है तो मेरी जो डुप्लीकेट वैल्यू 25 वो यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन मैं आपको और भी कुछ अंतर दिखाना चाहती हूँ। रन मॉडल पे गए, यहाँ पे देखिए दो, एक तो देखिए दो अंतर, यदि आप सेट लिखते हैं और सेट नहीं लिखते तो क्या अंतर आ रहा है। देखिए, जब आप सेट लिखते हैं तो आउटपुट जो आता है सेट के अंदर लिखे हुए डाटा का, वो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर शो हो रहा है, और यदि आप सेट नहीं लिखते हैं तो जो डाटा है बी का वो देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर शो हो रहा है, पहला अंतर। दूसरा अंतर आप समझ ही गए कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू यदि आप रख भी देते हो तो डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं होती। जैसे कि देखिए, फर्स्ट हमारे सेट जो ए का है, ये ए का यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं हो रही है, और सेकंड जो है हमारा बी का, मैं तो सिर्फ स्ट्रिंग में सेट लिखा है तो स्ट्रिंग में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेट फंक्शन का यूज़ नहीं किया तो देखिए डुप्लीकेट वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है। ठीक है, दो अंतर समझ में आ गए। ठीक है, यदि आप सेट नहीं लिखते हैं
तो डेटा आपका स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और डुप्लीकेट वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, यानी डुप्लीकेट्स वैल्यूज शो हो जाएंगी। और यदि आप सेट लिखते हैं तो डेटा आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, जो कि ये आपकी कर्ली ब्रेसेस है और वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट नहीं आएंगी। ठीक है ना, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सेट को लिखने का एक और तरीका सीखते हैं। जैसे आपने इस तरीके से सेट लिखा है, आप इसको क्या करिए, नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, आपने देखा ना सेट किस में लिखे होते हैं, आउटपुट में कर्ली ब्रेसेस में। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने डेटा को लिख कर देखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, ठीक है, और F5 को प्रेस करके अपना प्रोग्राम रन कर रही हूँ। देखिए ये तो मेरा पुराना आउटपुट था, ये मेरा नया आउटपुट है। मैं एक काम करती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको फ्रेश आउटपुट दिख जाए। रन पे गए, रन किया, यहाँ पे आउटपुट देख लीजिए, मेरी आउटपुट विंडो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम सेकंड का देख रहे थे, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी तो क्या चेंजेस हुए। पहला चेंजेस कि आपको देखिए कर्ली ब्रेसेस के रूप में ही आउटपुट दिख गया। दूसरा चेंजेस देखिए कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो आपने 25 डुप्लीकेट वैल्यू दी थी, वो डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, यानी डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं हुई है। यदि दो है या दो से अधिक वैल्यू तो वो एक ही बार क्या होती है, शो होती है। ठीक है, तो 25 शो हुआ। तो आप क्या समझ गए होंगे कि यदि आपको सेट में डेटा लिखना है, एलिमेंट्स लिखना है, तो या तो आप सेट फंक्शन का यूज़ करो। यदि आप सेट फंक्शन का यूज़ नहीं करते हो तब भी आप नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस लगाकर भी इस तरीके से अपने सेट के अंदर के डेटा को स्टोर करवा सकते हो। यानी चाहो तो आप सेट फंक्शन का यूज़ करो, चाहो तो आप इसको नॉर्मल तरीके से इस तरीके से लिखवा दो अपना डेटा। ठीक है,